तुम लोग को दो चार बाला रैखिक समीकरण तीन तरह के होते हैं, तो दो तरह का ग्राफ जैसे संगत समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर काटता है, ये बतला दिए हैं। और इसलिए संगत समीकरण युग्म का हल हमें प्राप्त होता है, एक और केवल एक हल। दूसरा भी बतला दिए हैं, असंगत समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होता है, तो समानांतर होता है। तीसरे पार्ट में ये बतला दिए। अब आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ, आश्रित समीकरण युग्म कैसे लिखोगे, मतलब आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं किसको, गोचर वाला रैखिक समीकरण तीन तरह के होते हैं, वो तीसरा है ना आश्रित समीकरण युग्म। तो दो वेरिएबल का ऐसा समीकरण युग्म जिसका हल हमें अनंत प्राप्त होता है, यानी वेरिएबल का एक मान नहीं प्राप्त होगा, अनंत मान प्राप्त होगा। अगर मान लो हम लोग कहते हैं x प्लस वाई बराबर आठ, आश्रित समीकरण युग्म, दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे पर आश्रित रहता है। आश्रित का अर्थ हुआ पहला समीकरण का जन्म दूसरे समीकरण से होता है और दूसरे समीकरण का जन्म पहले समीकरण से होता है। मान लो पहला समीकरण बना लिया, इसका अनंत हल प्राप्त होता है, तो ये समीकरण नंबर एक है। इस पर आश्रित समीकरण कौन होगा, अगर पूरे समीकरण को मान लो हम तीन से गुणा कर दिए, तो ये हो गया तीन से गुणा कर दिए पूरे समीकरण को, कितना हो जाएगा, ये हो गया तीन एक्स प्लस तीन वाई बराबर चौबीस, तीन एक्स प्लस तीन वाई बराबर चौबीस। आश्रित समीकरण युग्म में पहला समीकरण का जन्म दूसरे समीकरण से होता है, यानी पहला समीकरण दूसरे समीकरण पर आश्रित रहता है और दूसरा समीकरण पहले समीकरण पर आश्रित रहता है, अर्थात दोनों समीकरण एक दूसरे पर आश्रित रहता है। इसमें लग रहा है आश्रित है, तो देखो तो पहला समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर आठ, इसी से दूसरे का जन्म हुआ है, पहला में तीन से गुणा कर दिए तो दूसरा का जन्म हुआ है दूसरे समीकरण का, और दूसरे समीकरण में तीन से भाग दे दो, दूसरा समीकरण तीन एक्स प्लस तीन वाई बराबर चौबीस है, तीन से भाग देंगे यानी एक बटा तीन, तो ये हो गया तीन एक्स गुने एक बटा तीन जोड़ तीन वाई गुने एक बटा तीन बराबर चौबीस गुने एक बटा तीन, तीन तीन कट गया तीन आठ में चौबीस, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर आठ, पहला समीकरण मिल गया। तो दूसरे समीकरण से पहला का जन्म हुआ, तीन से भाग दे दिए और पहले समीकरण में तीन से गुणा किए तो दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो आश्रित समीकरण युग्म उस समीकरण युग्म को कहते हैं जिसमें वेरिएबल के अनंत मान प्राप्त होते हैं। अनंत मान प्राप्त होते हैं इसका अर्थ ये हुआ जो x और y वेरिएबल अगर है तो x के अनंत मान प्राप्त होंगे और y के भी अनंत मान प्राप्त होंगे। परिभाषा ये सब तो हो चुका है पिछले पार्ट में। आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ होता है कैसे, तो मान लो ये आश्रित समीकरण युग्म है, x प्लस वाई बराबर आठ थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बराबर टू, समीकरण एक समीकरण दो,
संग्राह खींचना है, समझा? तो समीकरण एक से x प्लस y बराबर 8, इसीलिए x बराबर 8 माइनस y। समीकरण तीन समीकरण दो से थ्री एक्स बराबर हो गया 24 माइनस 3 y, इसीलिए x बराबर 24 माइनस 3 y बटा 3। समीकरण चार, पहला को हल किए और दूसरा को हल किए तो हमको पहला से समीकरण 3 प्राप्त हुआ, दूसरा से 4 प्राप्त हुआ है ना। तो पहला के लिए टेबल बनाएंगे, समीकरण 3 का टेबल, का मान मान लो 3 रखे, x का मान 8 में से 3 गया 5, जो इच्छा हो y का मान रख सकते हैं। मान लो y का मान 3, x बराबर 8 में से 3 गया 5 होगा ना। अगर मान लो y का मान 5 रख देते हैं तो x बराबर 8 माइनस 5 3 होगा, इतना। तो समीकरण 4 का टेबल, समीकरण 4 में है x बराबर 24 माइनस 3 y बटा 3। मान लो y का मान 0 रखते हैं, x बराबर कितना होगा? 24 माइनस 3 गुने 0, 3 गुने 0 बराबर 0 होगा, 0 है, 24 में से 0 घट गया तो 24 बटा 3 8 होगा, x का मान 8 होगा ना। अगर y का मान मान लो माइनस में लोगी ले सकती हो, माइनस में लोगी तो माइनस माइनस प्लस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो माइनस में ही लेते हैं। y का मान मान लो y बराबर माइनस 1 ले, y का मान माइनस 1, तो अब इसमें मान बैठाएंगे 24 माइनस 3 गुने y का मान माइनस 1 बटा 3, ये हो गया 24 माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकन 3 बटा 3, 24 3 27 बटा 3 बराबर 9 होगा। y का मान माइनस 1 लिए तो x का आया 9। इस तरह टेबल बना लिए, अब ग्राफ खींचते हैं। अधिक मान कितना है दोनों में? देखो 9 है x का मान, यानी y का मान हाईएस्ट कितना है 5।
देंगे तो पहला समीकरण तीन टेबुल का x का मान पाँच तो y का मान तीन, x का मान पाँच, एक दो तीन चार पाँच। x बराबर पाँच तो y बराबर तीन, एक दो तीन, ये बिंदु कटा, इसको बिंदु ये मान लो, ये का x नियामक कितना, एक दो तीन चार पाँच है ना, y नियामक एक दो तीन, समझ रहे हो ना, x बराबर तीन तो y बराबर पाँच, एक दो तीन। x बराबर तीन y बराबर पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ काटा, इसको d मान लेंगे, d का x नियामक एक दो तीन, y नियामक d का पाँच, दो तो बिंदु प्राप्त हो गया, पटरी रख करके इसको मिला दो, ये हो गया तुमको किसका समीकरण तीन, यानी जो एक से प्राप्त हुआ है x प्लस वाई बराबर आठ का हुआ मगर ना, x प्लस वाई बराबर आठ का ये ग्राफ हुआ पहला समीकरण का। दूसरे समीकरण के लिए ये दूसरा टेबुल, x बराबर आठ तो y बराबर जीरो, x बराबर आठ ये हो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ भी है ना, x बराबर आठ, y बराबर दो, एक दो, सॉरी y बराबर जीरो, एक यहाँ होता जीरो यही रह गया, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, x एक्सिस पर ही कटेगा, ये हो गया y बराबर जीरो, x बराबर आठ का ग्राफ तो कोई बिंदु मान लो, मान लेते हैं m बिंदु, x का मान हो गया कितना आठ, y नियामक शून्य, इसके बाद x बराबर नौ, y बराबर माइनस एक, x बराबर नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये हुआ x बराबर नौ, y बराबर माइनस एक, माइनस एक नीचे होगा होगा ना, y बराबर माइनस एक, x बराबर नौ है ना, x बराबर नौ, y बराबर माइनस एक, यहाँ कटा, इस दो ठो बिंदु प्राप्त हुआ, इसको m माने हैं, इसको n मान लो, n का x नियामक नौ है ना, y नियामक माइनस एक, ये दो बिंदु प्राप्त हुआ, पटरी बैठा करके खींचोगे, इसी सरल रेखा पर तुमको दूसरा रेखा भी आ जाएगा, ये दो को बिंदु प्राप्त हुआ, खींचेंगे तो देखो ये दो बिंदु से गुजरने वाली पहली ग्राफ का भी ये रेखा है, इसी होते हुए बैठाओगे तो इसी रेखा पर होते हुए एक दूसरा रेखा आच्छादित हो जाएगा, ये जो हो गया तुमको दूसरे समीकरण 3x प्लस 3y बराबर 24, दो बिंदु को मिलाने से जो ग्राफ हुआ प्राप्त हुआ 3x प्लस 3y बराबर 24, दोनों समीकरण से जो ग्राफ प्राप्त हुआ है
तो पहले समीकरण से प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, दूसरे समीकरण से जो सरल रेखा प्राप्त हुआ है पहली सरल रेखा के ऊपर से ही गया है। यानी दोनों, जब दो सरल रेखा एक दूसरे के ऊपर हो या एक दूसरे को ढक ले तो दोनों सरल रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा बतलाए है ना, तो ये आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो दो रेखा है जो एक दूसरे को आच्छादित करता है, तो ये बोलो एक टॉपिक बतलाए थे पिछले पाठ में, दो सरल रेखा किसी समतल में खींची जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो कोई दो सरल रेखा खींचेंगे, मान लो एक सरल रेखा ए बी खींचे, इसी समतल में एक दूसरा सरल रेखा खींचेंगे, मान लो दूसरा सरल रेखा खींचे हैं सी बी, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी काटेगी, अगर इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काट जाएगा। तो किसी समतल पर अगर हम लोग दो सरल रेखा खींचते हैं तो तीन तरह की बात होती है। पहली बात होगी दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काटेगा, काट सकता है। अगर नहीं काटे तो दो रेखा जब एक दूसरे को कहीं नहीं और कभी नहीं काटती है तो इसका अर्थ है दोनों रेखा समानांतर रेखा कहलाएगी। तो अगर दो रेखा हम किसी समतल में खींचते हैं तो पहली स्थिति होगी दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काट सकती है, दूसरी स्थिति होगी दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, होगी ना। जैसे मान लो एक सरल रेखा हम MN खींचे, दूसरा सरल रेखा PQ खींचे, अगर एक दूसरे को कहीं नहीं काटे चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर, एक दूसरे को नहीं काटे चाहे हम आगे की ओर बढ़ाएं या पीछे की ओर, ऐसी रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है कहलाएगी। तो पहली स्थिति में दो सरल रेखा एक दूसरे को काट सकती है, दूसरी स्थिति में नहीं काटेगी तो समानांतर हो जाएगी, तीसरी स्थिति एक सरल रेखा अगर मान लो हम खींचते हैं MN, दूसरा सरल रेखा इसी समतल में हम इसी पर खींच सकते हैं PQ बोलो, तो ये MN सरल रेखा के ऊपर में PQ सरल रेखा है, यानी MN सरल रेखा को PQ सरल रेखा कितने बिंदु पर काट रहा है बोलो, सोच करके बताओ। इस चित्र में एक सरल रेखा पर दूसरा सरल रेखा है ना जी, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को ढक ले या दो सरल रेखा एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले तो दोनों सरल रेखा को जब एक दूसरे को ढकेगा, इस तरह के रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। यहाँ हम लोग कहेंगे ये रेखा संपाती रेखा है, इसका अर्थ हुआ एक सरल रेखा के ऊपर में दूसरा सरल रेखा है जो दूसरा सरल रेखा पहले को ढक लिया है और पहली सरल रेखा दूसरे को ढक लिया है, और ऐसी रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। तो मान लो एक सरल रेखा ए बी, दूसरी सरल रेखा एम एन, अगर इसमें देखो तो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर काटता है, मान लो ये क्यू बिंदु पर काट रहा है। तो पहला जो टॉपिक तुम लोग पढ़े हो संगत समीकरण युग्म से हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है सरल रेखा के रूप में, दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए संगत समीकरण युग्म का एक और केवल एक मान प्राप्त होता है, अर्थात वेरिएबल का एक मान प्राप्त होता है, x का एक मान और y का एक मान। क्यों? क्योंकि दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर काट रही है, ये
संगत समीकरण युग में बतलाए थे, याद है ना। दूसरा असंगत समीकरण युग में से जो हमें ग्राह प्राप्त हुआ है, इस समीकरण युग में दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, ए बी और मान लो इसके समानांतर सी डी है। तो संगत में तो संगत समीकरण युग में एक और केवल एक जगह दोनों रेखाएं काटती है, इसीलिए उस कटान एक और केवल एक कटान बिंदु का x नियामक समीकरण में x का मान होता है और y नियामक y का मान होता है। ये संगत की बात हुई। और संगत समीकरण युग्म में प्राप्त ग्राफ जो दो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक दूसरे को कहीं काटता ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कहीं नहीं काटता है, इसलिए इसका मान ही नहीं प्राप्त होता है। और संगत समीकरण युग में अगर मान लो दो जगह काटता तो वेरिएबल का दो दो मान प्राप्त होता, तीन जगह काटता तो तीन तीन मान प्राप्त होता, लेकिन असंगत समीकरण युग में से प्राप्त ग्राफ दो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है और दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, इसलिए हमें असंगत समीकरण युग्म का हल प्राप्त नहीं होता है। तीसरी स्थिति आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाति रेखा के रूप में प्राप्त होता है। दोनों समीकरण का ग्राफ सरल रेखा के रूप में तो प्राप्त होता है, लेकिन दोनों सरल रेखा एक दूसरे को आच्छादित कर लेती है और जब ये आच्छादित किया तो एक नहीं अनंत जगह काट रहा है, काट रहा है बोलो तो। यहाँ पर देखो ये सरल रेखा एक दूसरे को, ये एक दूसरे को एक जगह काट रहा है और इसमें PQ सरल रेखा का एक एक बिंदु MN सरल रेखा के एक एक बिंदु को काट रहा है, यानी दोनों सरल रेखा का एक एक बिंदु एक दूसरे को काट रहा है और सरल रेखा पर अनंत बिंदु है। MN सरल रेखा का अनंत बिंदु PQ सरल रेखा के अनंत बिंदु को काट रहा है, इसीलिए आश्रित समीकरण युग्म का हमें अनंत मान प्राप्त होता है, यानी वेरिएबल का एक नहीं अनंत मान प्राप्त होता है x का भी और y का भी, क्योंकि आश्रित समीकरण युग्म का ग्राफ सरल रेखा के रूप में जो प्राप्त होता है दोनों सरल रेखा एक दूसरे को आच्छादित कर देता है। आच्छादित करने का मतलब दोनों का एक एक बिंदु MN का कोई भी बिंदु लोगे, मान लो MN सरल रेखा का एक बिंदु लोगे तो PQ का भी सरल रेखा का वही बिंदु इस जगह काट रहा है MN के इस बिंदु को, इससे आगे वाला बिंदु लोगे MN सरल रेखा का तो PQ सरल रेखा का भी यही ऊपर से जो आच्छादित करेगा तो यहीं पर एक बिंदु होगा, यानी जगह जगह एक दूसरे को एक एक बिंदु काट रहा है। तो इसलिए आश्रित समीकरण युग्म का हल हमें अनंत हल प्राप्त होता है, अर्थात वेरिएबल का एक नहीं अनेक मान प्राप्त होता है। किस समीकरण युग्म में? आश्रित समीकरण युग्म में। तो इसकी एक यह भी परिभाषा होती है, आश्रित समीकरण युग्म उस युग्म को कहते हैं जिस युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक से अधिक बिंदुओं पर या अनंत बिंदुओं पर काटता है या हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होता है, समझा। तीनों का ये तीनों को अब लिखा दें, ग्राफ तो दोबारा क्या बनाएंगे, यही रहेगा, समझा ना। ये उदाहरण में ग्राफ तो लोग बना लो, मिटाते हैं लिखने के लिए। ग्राफ तो
सिखा दिए हैं जी, अगर आप अपने से बना लेना और इसकी हम विशेषता लिख देते हैं। तो क्वेश्चन के रूप में उतारते जाओ। ये समीकरण का ग्राफ जो है ना, इसके नीचे में बना लेना, इसकी बात को उतारो।
Thank you.
ये तो बतला दिए हैं संगत समीकरण युग्म की परिभाषा, ग्राफ आधारित परिभाषा, इसको तो लोग समझ गया ना। इसका ग्राफ संगत समीकरण युग्म का ग्राफ दो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, जो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर काटेगा, इसलिए संगत समीकरण युग्म का एक हल प्राप्त होगा। एक हल का अर्थ हो गया वेरिएबल का एक एक मान प्राप्त होगा। क्योंकि इस समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ में दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इस समीकरण युग्म का केवल एक और एक हल प्राप्त होता है, अर्थात वेरिएबल का एक एक मान प्राप्त होता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, एक नंबर वाला, किस समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर काटता है, विकल्प में दिया रहेगा तो याद आ जाएगी ना संगत समीकरण युग्म का। वैसे तुम लोगों को प्रत्येक चैप्टर का इतना ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा देंगे ताकि एको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, तो अलग से बतला देंगे, चैप्टर समाप्त होता चला जाएगा और ऑब्जेक्टिव अलग से तैयारी करा देंगे। लगभग तुम लोगों को 6,000-7,000 ऑब्जेक्टिव बतला देंगे, तो अभी हो या आने वाले समय में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब इसी से पकड़ा जाएगा। तो ये हो गया संगत समीकरण युग्म की परिभाषा, ग्राफ आधारित परिभाषा। अब लिखो असंगत समीकरण युग्म का।
ये सब समझा दिए हैं, लिखा भी दिए, अब अगले पार्ट में इसी पर आधारित एक टॉपिक रह गया है जो बतला देंगे। ठीक है, आप पढ़ो।